अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट आइडियाज़ विद सना। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ। आपको देखकर पता तो चल ही गया होगा। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी कि किस तरह आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपने घर में ही किस तरह अपने बालों को हाईलाइट्स कर सकते हैं, किस तरह अपने बालों को कट डाउन कर सकते हैं। अमूमन बहुत से लोग जो हैं घर में अपने बालों को कट डाउन करते हैं, लेकिन उनका उनकी पसंदीदा जो बालों में कलर है वो बिल्कुल भी नहीं आता, या तो कट डाउन होता ही नहीं है, अगर होता है तो कुछ खास रिज़ल्ट नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली आपको समझाऊंगी कि किस तरह आपने बहुत ही कम प्राइस में, बग़ैर किसी झंझट में पड़े, आपने अपने बालों को कट डाउन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले तो कट डाउन करने के लिए अपने हाथों में जो ग्लव्स हैं वो लाजमी पहने हैं, क्योंकि ये वाली जो प्रोडक्ट होती हैं ये थोड़ा केमिकली होती हैं और हमारी स्किन के लिए ज़रा हार्श होती हैं। तो इसीलिए आपने ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। ग्लव्स के बाद आपने किसी किस्म का एक बाउल ले लेना है, और यहाँ पर मैंने ये ब्रश लिया है बालों को जो है लगाने के लिए, और ये साथ एक स्पून लिया है मेजरमेंट के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डेवलपर के बारे में। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने लिया है क्यूने का डेवलपर। तो गाइज़, इस क्यूने के डेवलपर में और भी बहुत ज़्यादा डेवलपर होते हैं, 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने जो है गाइज़ लिया है 40 वॉल्यूम, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो 40 वॉल्यूम होता है उसमें 12% जो है वो इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो इसमें पाई जाती है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन इसका जो है वो बढ़ता जाता है इसके लेवल के बढ़ने के साथ साथ, तो गाइज़ जो 10 वॉल्यूम है उसमें सबसे कम मिकदार में केमिकल होता है, और जैसे जैसे वॉल्यूम जो है बढ़ता जाता है 20, 30, 40, तो उस वो केमिकल उतना ही ज़्यादा तेज़ से तेज़तर हुआ जाता है। यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो उसकी परसेंटेज है ये बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे जो बाल हैं जिनके बाल फुल जेट ब्लैक हैं और जो चाहते हैं हमें मतलब एक ही अप्लाई से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिले, ठीक है, बार बार हमें अपने बालों पे कुछ अप्लाई ना करना पड़े, तो ये जो 40 वॉल्यूम है ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने बालों पर हाइलाइट्स करनी है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं, जेट ब्लैक हैं। तो वो जो है ये 40 वॉल्यूम का इस्तेमाल करें, और वो लोग जिनके बालों पर ऑलरेडी ही कलर हुआ हुआ है, मतलब ऑलरेडी ही उनके बालों में हाइलाइटिंग हुई है या कलर है, तो वो लोग जो मतलब आगे ही मतलब जिनके बाल ब्राउनिश से हैं, कलर हेयर के लिए नहीं, कलर हेयर्स के लिए आप 40 वॉल्यूम ही यूज़ करेंगे। लेकिन मैं यहां बात कर रही हूं जिनके बालों में ऑलरेडी हाइलाइटिंग हुई हुई है या जिनके बालों का कलर गोल्डन है या गोल्डन ब्राउन है, वो लोग जो है 30 वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। तो ये मैं जो 40 वॉल्यूम ले रही हूं ये मैं अपने लिए जो है ले रही हूं, तो मेरे जो बाल हैं वो जो जेट ब्लैक हैं मेरे बाल, मैंने ऑलरेडी भी हाइलाइटिंग की तो, लेकिन अब मेरे बालों की जो हाइलाइटिंग है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, मैं इसीलिए अगेन दोबारा से अपने बालों को हाईलाइट ऊपर से करना चाहती हूँ, तो ऊपर से मेरे बाल जो हैं वो ब्लैक के हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 40 वॉल्यूम का यूज़ किया है। 40 वॉल्यूम हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है, हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, लेकिन एक ख्याल रहे कि जो 40 वॉल्यूम जब आप यूज़ करें या 30 वॉल्यूम आप यूज़ करें, तो ये आपने कभी भी अपने स्कैल्प के पर कभी भी लगने नहीं देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बाल जो हैं इससे उतर भी सकते हैं, इसलिए हमने ये स्कैल्प पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 40 वॉल्यूम जो है ये आप देख सकते हैं, 60 ml की ये बोतल है, तो सारा कुछ पे मेंशन किया गया है, 60 ml की बोतल क्यूने की है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है, इस 40 वॉल्यूम को। तो अब चलते हैं, ये क्यूने का कलर CB। जी गाइस, आपने एक और इस तरह का क्यूने का जो है ब्लीचिंग पाउडर देखा होगा जो स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है। तो गाइज़, ये वाला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने क्यूने का ब्लीचिंग पाउडर लिया है ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ये अल्टीमेट ब्लॉन्ड क्रीम, ये जो है क्रीमी ब्लॉन्ड कलर के लिए यूज़ होता है इसमें, और उसमें फ़र्क ये है कि वो लोग जिनके बाल जो बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक होते हैं आसानी से उनके बालों की हाइलाइट्स नहीं होती, तो ये वाला पाउडर जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है, तो इसीलिए मैंने ये वाला पाउडर लिया है जो अल्टीमेट आपको रिज़ल्ट देगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है लिफ्टिंग पाउडर है ये CB और क्यूने कलर का है, तो ये वाला जो है उससे भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है, मेड इन इटली यहाँ पर मैंशन किया गया है, और ये ओरिजिनल पाउडर है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं ये इस तरह की वाइट कलर की बोतल में है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने ये दोनों बोतल्स ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, अपने बालों को जस्ट मैंने सिंगल हाइलाइट्स करने हैं, तो अब मैंने आपको इसकी क्वांटिटी का बताती हूँ कि कितनी कितनी क्वांटिटी में आपने ये लेना है, क्योंकि मैंने जो है अपने सारे बालों में हाइलाइट्स करने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये जो पूरी बोतल है ये मैं पूरी बोतल ही लूँगी। तो यहाँ पर मैं स्पून को जो है वो साइड पर रखती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है गाइज़, अब मैं यहाँ पे ये स्पून की मदद से मैं इस
क्यूने के जो वॉल्यूम है इसको मैं मैयर कर इसमें डालूंगी, ताकि मुझे हिसाब रहे कि मैंने कितना वॉल्यूम लिया है और मैंने कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना है। आपके पास कोई भी स्पून हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे मैंने ये वॉल्यूम लिया, ये देखिए, तो ये 1 टीस्पून आप ये देखिए गाइस, ये 2 टेबलस्पून और ये 3 टेबलस्पून ये देखिए गाइस, ये है 4 टेबलस्पून ये 5 टेबलस्पून। मैंने क्योंकि अपनी बालों की लेयर्स को बिल्कुल अच्छे से कवर करना है इसीलिए मैं ये पूरी बोतल लूँगी, और ये लास्ट है 6 टेबलस्पून। जी गाइस, तो ये टोटल जो बोतल है ये इसमें मुझे 6 टेबलस्पून इसके मिले हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये मैंने पूरी बोतल की मेजरमेंट की तो ये मुझे 6 टेबलस्पून मिले। और अब आपने क्या करना है कि ये जो क्यूने का ब्लीचिंग पाउडर है ये आपने डेवलपर से हाफ क्वांटिटी में इसमें ऐड करना है। मैंने चम्मच से मेजरमेंट इसलिए की ताकि आपको बता सकूं कि आपने किस तरीके से मेजरमेंट करनी है। यहाँ पे पहले मैंने डेवलपर को जो है इसकी मेजरमेंट की तो वो 6 टेबलस्पून है। अब मैंने क्या करना है कि क्यूने का ये जो अल्टीमेट ब्लीचिंग पाउडर है अब मैंने इसकी जो है इस डेवलपर से हाफ क्वांटिटी में ये ऐड करना है। डबल क्वांटिटी में ऐड नहीं करना, हाफ क्वांटिटी में आपने ये ऐड करना है। तो जहाँ मैंने 6 टेबलस्पून डेवलपर यूज़ किया है अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो ये वाला ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका वो 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी। ये देखिए गाइस, ये 1 टेबलस्पून गया, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्श, इसकी स्मेल जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये 2 टेबलस्पून हो गए, ओहो, और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ गया। चलें ये देखिए गाइस, ये मैंने 3 टेबलस्पून जो है इसमें क्यूने का ब्लीचिंग पाउडर जो है ये ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करके इसका इसी स्पून से इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। ज़रा ध्यान रहे कि आपकी आईज़ में मत जाए, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से मिक्स करना है। गाइस, आपने इसकी जो ब्लीचिंग पाउडर है आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा ब्लू टाइप का होता है, लेकिन क्योंकि ये न्यू आया है तो ये बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म है। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने तब तक मिक्स करना है इस डेवलपर और पाउडर को जब तक ये बिल्कुल यकजान ना हो जाए। आपने इस तरह नहीं करना कि इसमें अभी आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हों और आपने इसको अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सो गाइस, मैंने हाइलाइटिंग के लिए यहाँ पे फॉइल पेपर जो है वो यूज़ किया है। फॉइल पेपर मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटिंग के लिए, वो बेस्ट रहता है बजाय इसके कि आप कैप स्टिकिंग करें। मुझे कैप स्टिकिंग पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाइलाइटिंग के लिए यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर यूज़ करूँगी मैं, और फिर उसके बाद फॉइल पेपर को यूज़ करने के बाद देन मैं इसको अच्छी तरह अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ पे भी मैंने हाइलाइटिंग करनी है। आप भी इस तरह इजीली फॉइल पेपर के ज़रिए कर सकते हैं। फॉइल पेपर का फ़ायदा अगर ये होता है कि उससे हमारे बालों में जो हीट है वो एब्जॉर्ब रहती है, मतलब हमारे बाल जो है ना वो ड्राई नहीं होते, और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है कि जो रिज़ल्ट आपको 10 मिनट में मिलना होता है वो आपको 5 मिनट में मिल जाता है फॉइल पेपर से। तो आप भी फॉइल पेपर जो है वो मस्ट ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करी हूँ, इसमें अभी भी ये जो है ना पार्टिकल्स बाकी हैं। सो अब मैं क्या करूँगी कि इसको साइड पे रख के देन मैं अपना यहाँ पे ब्रश अप्लाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर और ये जो क्रीम है ये अभी बाकी है। तो अब मैं इसको ब्रश से ही मिक्स करती हूँ ताकि जो इसके पार्टिकल्स हैं ना वो अच्छे से मिक्स हों। गाइस, आपकी चाहे फेस की ब्लीच क्रीम हो, चाहे आपका हेयर्स का कोई भी मेथड हो, आपने मिक्सिंग अच्छी करनी है, क्योंकि आपकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और जब आपने फॉइल से अप्लाई करना है इसको अपने बालों पर, तो आपने अच्छी तरह अपने बालों की कवरेज करनी है, और सबसे पहले आपने अपने बालों को कॉम्बिंग लाजमी करनी है। जब आप अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे देन फिर आपने ये जो है अप्लाई करना है, तो आपके एक एक बाल पर ये अच्छे से लेयर लगनी चाहिए। अगर आप अच्छे से अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो अंदर रह जाएंगे, तो अच्छे से वो मिक्स नहीं होगा।
तो आपको फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपने मिक्सिंग अच्छे से करनी है और लगाना अच्छे से है, दोनों साइडों से लगाना है, तो फिर ही आपको जो है अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फ़ायदा फिर आप इतनी मेहनत करें और जब आप अप्लाई ही ना ठीक करें तो फिर रिज़ल्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो गाइस, अब मैं आपको इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और आपको आखिर में रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि मुझे किस तरह का रिज़ल्ट मिला है। सो अब इसको अप्लाई करते हैं। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से फॉइल पेपर को अप्लाई किया है और जितना मुझे कलर चाहिए था मैंने उसको 40 मिनट रख के उसके मुताबिक उतार लिया। आपको भी जितना शेड पसंद है आप भी चेक करते रहें और फिर उस टाइम पे आप उसको रिमूव कर